नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शहडोल जिले में रेत उत्खनन को लेकर ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ठेकेदारों की इन करतूतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार थाना इलाके के चाका स्थित सोन नदी का है, जहां वंशिका ग्रुप द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए लीज से हटकर अवैध रेत उत्खनन कराया जा रहा है। साथ ही केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जल स्रोतों को बांधकर रेत का परिवहन भी किया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था जैनब फाउंडेशन ने भी इस मामले की शिकायत प्रशासन को की थी, परंतु प्रशासन द्वारा आज तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। सूत्रों की माने तो वंशिका ग्रुप ने इस रेत खदान से रेत उत्खनन का कार्य एक अघोषित समझौते के तहत भाजपा के जिला स्तर के कुछ पदाधिकारियों को सौंप दी गई है, जहां की इन पदाधिकारियों द्वारा सत्ता की धौंस दिखाकर एनजीटी और प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। अब सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों और वंशिका ग्रुप के खिलाफ विपक्षी जिला कांग्रेस कमेटी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। विगत दिनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा रेत खदानों का भ्रमण कर उत्खनन कार्यों का जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह द्वारा यह बताया गया कि हमारी कोशिश होगी कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन ना हो और जिलावासियों को उचित दर पर रेत उपलब्ध हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे और आवश्यकता पड़ी तो मामले को एनजीटी और अदालत तक लेकर जाएंगे। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि जो वंशिका ग्रुप के लोग हैं उनके स्टाफ में कैसे लोग हैं, इनका चरित्र सत्यापन होना अति आवश्यक है। जैसा मेरी जानकारी में है कि लोग भिंड, सतना, आगरा, तमाम जगह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आकर हमारे जिले के शांत वातावरण को बर्बाद करेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आप सब हमारे जिले के लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारा जिला कितना शांतिप्रिय है, यहाँ के लोग कितने अच्छे और सौहार्दपूर्ण आपसी प्रेम भाईचारे में रहने वाले लोग हैं। दूसरी चीज़, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, चाहे वो बड्डिया से ले कर कोणी और हमारे नज़दीक नवलपुर और पटासी, भुरसी, ये तमाम जगह में जो हुआ कार्रवाई, कुछ हम मानते हैं कि जिले के नए युवक किसी मामले में कभी अपराधी की तरह होंगे, लेकिन मैं उन स्थानीय लोगों के साथ जो वंशिका ग्रुप अपने प्रभाव का प्रभाव डालकर किसी न किसी रूप में उन्हें कभी छूट देता है और उन्हीं को फिर से फंसाकर अपने लोगों के द्वारा काम, मतलब हमारे स्थानीय लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति में या अपराध उनके ऊपर सिद्ध किया जा सके, बनाया जा सके, ये वंशिका ग्रुप यहाँ के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलके ये भी खेल खेल रहा है, जो ये मुझे दिख रहा है। स्थायी तौर पे जो पुलिया बनाई गई है दादा, इस पे कुछ समाज सेवी संस्थानों ने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उन लोगों, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। विपक्ष में आपकी सरकार बैठी हुई है, आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, विपक्ष के तौर पर हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता के लोग, हम यहाँ के जनहित के साथ हैं, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को नष्ट नहीं होने देंगे और जो हमारे एनजीओ से संबंधित हमारे जो उनकी चिंताएं हैं वो निश्चित स्वाभाविक तौर पर यहाँ के प्राकृतिक परिस्थितियों को लेके है। यहाँ का प्राकृतिक परिस्थिति, पर्यावरण नष्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। दूसरी चीज, हम यहाँ पर अवैध उत्खनन भी नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन यह तय करे कि इनकी खदानों की सीमाएं क्या हैं, वहाँ खंभे गाड़े जाएं और खंभे ऐसा नहीं, जनप्रतिनिधियों के सामने गाड़ा जाए। मैं जिस तरह से यहाँ का जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष के विधायक, सांसद और तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष जो भी हैं, इन लोग जिस तरह से इनकी बातें सामने आ रही हैं और ये चुप हैं, चुप हैं क्यों, ऐसा लगता है कि ये उनके साथ है। जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी बिल्कुल ये शिकायतें आ रही हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधि का जागरूकता, आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आज हम विपक्ष में हैं,
हम मानते हैं कि जनता इनको चुन रही है इनके कामों पर, लेकिन चुनने के बाद इनको जनहित में काम करना चाहिए। आज रेत सस्ती होनी चाहिए लेकिन रेत महंगी और व्यापारी के पक्ष में है, मतलब जनता का वोट लेकर आज सरकार तो बना लिए हैं लेकिन जनहित में जनता को सस्ती रेत मिले, हमारे जिले के लोगों को सस्ती रेत मिले, हमारे जिले में निर्माण कार्य हो रहे हैं उसका विकास अच्छे से हो सके, उसके लिए जो आज ये रेत है हमारा जो जनप्रतिनिधि, और जिस तरह से रेत उत्खनन व परिवहन को लेकर के आए दिन शहरों में चर्चा होती है और जिले में चर्चा होती है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिले के अंदर पूरा जिले में जितने भी खजाना आवंटित किए हैं ये वंशिका खनन कंपनी द्वारा, और वंशिका मतलब शासन सत्ता से जुड़ा हुआ आदमी, कौन? संजय शर्मा, सुधीर शर्मा है, और उसमें जो पार्टनर है नहीं भी जुड़े हैं, तभी आपने चुनाव में देखा होगा कई विधायक और नेता भाजपा में आके जुड़ गए। सरकार भाजपा की, शासन प्रशासन सब सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, और हम जल जंगल जमीन और पर्यावरण के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जाए। इससे पहले भी हमने आंदोलन किया था जयसिंह नगर में, गोहपारू में, 3 मशीन पकड़े गए हैं। कभी कभी प्रशासन एक्टिव होती है, कार्रवाई करती है, कभी कभी वाक ओवर भी दे देती है। अभी 3 दिन पहले पूरा प्रशासन गया था, प्रशासन की इस निष्क्रिय रवैये से आपके कहाँ, जयसिंह नगर तहसील में घियार पंचायत में अवैध उसका कोई पैमाइश नहीं हुआ, सीमांकन नहीं हुआ खदान का, सोन नदी का उनका लीज है और कहाँ से निकाल रहे हैं, ना वहाँ कोई पर्यावरण का नियम का पालन हो रहा, ना कुछ हो रहा है। सभी थे SDOP थे, SDM, तहसीलदार, कार्रवाई के नाम में कुछ नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन के ऐसे निष्क्रिय रवैये से आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? जी रवैया है तो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे पर्यावरण को नुकसान थोड़ी पहुंचाने देंगे। अभी अभी हाल ही में कसेण नाले पर वंशिका ग्रुप द्वारा एक अस्थायी पुल बना करके जल को अवरुद्ध किया जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? अगर वहाँ का ग्राम पंचायत का कोई प्रस्तावित कार्य योजना नहीं है और कंपनी ने अपनी मर्जी से बनाया है तो हम तो मानते हैं कि अवैध नहीं अपराध है, तो उसने नाला का धार मोड़ा है, इस पर भी हम आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि भाई हमारी पर्यावरण को बचाया जाए। NGT से जुड़े कुछ लोगों ने राजस्व से लेकर के ऊपर प्रशासनिक अमले तक को ज्ञापन के रूप में अवगत कराया, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं, इस विषय पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के अनुरूप ही शासन चलता है। देखिए, जनता को आंदोलन में आना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है, सरकार तक बात जाएगी तो हम मानते हैं कि इस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी और जो भी कार्रवाई होगी वंशिका खनन कंपनी के विरुद्ध होगा, करवाएंगे, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। पद से जुड़े हुए थे और अप्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े थे, लेकिन अब आपने प्रशासनिक सेवा छोड़ करके जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? वो मेरा उद्देश्य था, पहले मैं प्रशासनिक सेवा में था और अभी जो भी परिस्थिति निर्मित हुई उसके आधार पर मुझे लगा कि अब मुझे प्रशासनिक सेवा से बाहर आकर के राजनीति के माध्यम से जनसेवा करने का और जो लोगों के लिए काम करने का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना ही बस एकमात्र मेरा उद्देश्य रहा। एक हिसाब से देखा तो ये भी रेत उत्खनन व परिवहन भी इस समय जन समस्या का मुद्दा बना, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जन समस्या नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, और जो निर्देश हैं माइनिंग एक्ट्स हैं उसके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो परिवहन और उत्खनन होना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि उसको सुनिश्चित करना चाहिए प्रशासन को। अभी हाल ही में वंशिका ग्रुप ने यहाँ 1 करोड़ रुपए का ठेका लिया हुआ और बुढ़ार क्षेत्र से लगा हुआ कसेर नाले पे प्रवाही जलधारा को अवरुद्ध किया हुआ है, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, NGT का वायलेशन है और प्रशासन को ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि इस तरीके की प्रतिकूल स्थिति निर्मित ना हो, कोई भी कानून या नियम का उल्लंघन ना हो। आप भी सरकार के एक अंग होने जा रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या मुहिम उठाएंगे इसको लेकर के? अभी सरकार के अंग होने जा रहे हैं ये बात निश्चित रूप से 10 तारीख को पता चलेगा, और हमारा तो मानना है कि कांग्रेस जो है गवर्नमेंट फिर से बना रही है, और जब कांग्रेस फिर से गवर्नमेंट बनाएगी तो माननीय कमलनाथ जी ने पहले भी काफ़ी शुद्ध के लिए युद्ध किया है और जैसे रेत माफियाओं के विरुद्ध भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिस कारण से हमें ये भुगतना पड़ा कि सरकार को हमको खोना पड़ा। क्या इस तरह से प्राकृतिक जल स्रोतों को बाधित करना आपके हिसाब से कहां तक सही है, कहां तक न्यायसंगत है? उल्लंघन है। NGT जो होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स,
उसके रूल्स का वायलेशन ही इस पर का इस पर तो बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं प्रशासन में था, आपको याद होगा मैंने एक पोकरेंट वहाँ से सीज किया था और मेरे ख्याल से अभी भी सीज होगा। अभी आप क्या अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन को इस मुहिम के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे करते हुए बिल्कुल उनको सख्ती से इसमें जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं गलत है तो वहीं नहीं, रेत में ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी कानून का उल्लंघन हो तो उसका उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत से ये देखा जा रहा है कि वलसिया ग्रुप ने रेत खदान का ठेका लिया हुआ है और जिस तरह से रेत खदानों में उनके द्वारा मनमानी की जा रही है, कभी भारी वाहनों को उतारना, पूर्व में भी आपके साथ अभद्रता हुई थी रेत खदान में, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपोज में आपकी सरकार भी बैठी हुई है। देखिए लगातार जो खनन हो रही है भाई उसकी इसमें जो है कई तरह के बातें निकल के आई है और हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि हमारे जो लोकल हैं और जो जनता हमारे जिले के हैं उनको मतलब कम रेट में कुल मिला के दिया जाए रेट। अभी जो रेट है और अवैध तरीके से उत्खनन हो रही है उसमें प्रशासन को कई बार अपन ने टिकट भी दिया और उनके संज्ञान में भी लाया गया, लेकिन अभी तक जो है ये कह के टाल दिया जा रहा था कि अभी जो है 15 अक्टूबर से चालू होगा, कि जब चालू हुआ 15 अक्टूबर से उत्खनन जब चालू हुआ तो जैसे भी मशीन लगाने की बात आई कि जगह मशीन लगाने के प्रावधान नहीं है, मशीन लगा रहे हैं तो अपन कलेक्टर साहब से लिखित शिकायत किए हैं। अब कलेक्टर साहब ने कई बार आश्वासन दिया कि अपन वर्चुअल ग्रुप से बात करेंगे और जहाँ तक कछैण की नदी की बात है वहाँ तो काफ़ी दिन से अवैध चल रहा है। जानकारों की माने तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, इस विषय में आपको कुछ कहना है? चूँकि अब बीजेपी गवर्नमेंट है और इसमें कुछ लोग बीजेपी के हमारे जो हैं बड़े कुछ पदाधिकारी हैं, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है कि उनकी संरक्षण में चल रहा है, ये बात सत्य। क्या किसी भी प्रवाही जलधारा को बाधित करना उचित होगा निजी स्वार्थ के लिए, जैसे कसेड़ नाले को बाधित कर अवरुद्ध कर निजी स्वार्थ के लिए उसमें भारी वाहन उतारे जा रहे हैं, रोजाना रेत निकल रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए प्राकृतिक साथ छेड़छाड़ करना ये नहीं है, लेकिन कुछ लाभ के कारण कुछ हमारे जो चुनिंदे लोग हैं वो अपने लाभ के कारण सब ये धंधा कर रहे हैं और पानी जल बहाव जो हो रहा है इस उत्खनन से काफ़ी प्राकृतिक नुकसान होगा और जल जीवन को भी नुकसान है। आप सत्ता में बैठे हुए सरकार विपक्ष में आप क्या करेंगे, आप इस विषय के लिए क्या करेंगे? हमने देखिए विपक्ष का काम जितना है करते हैं, अब जहाँ सत्ताधारी बात है वहाँ पर अब तो देख रहे हैं प्रशासन ही सब बैठे तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे। भविष्य में ऐसे कृत्यों के लिए आपकी क्या मुहिम रहेगी? हम लोग करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे, पहले भी करते आए हैं, मैं तो खुद करते आया हूँ, अब फिर भी कोशिश करूँ प्रयास करूँ कि हमारे लोगों को अच्छे कम रेट में भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में देता मिले सब। रेत की बढ़ती दामों को लेकर भी आम जन को समस्या हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या मैं बताऊं, मेरे ज़िले में 19,000 अभी आवास आए हैं प्रधानमंत्री आवास, सभी पंचायत सचिव अभी सरपंच फोन करते हैं, कई बार करते हो गए सर जो है हम आवास नहीं बना पाएंगे, ग्रामीण लोग रेत का जो रेट है वो हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है खरीदते हैं रेत हम, उस रेट में हम आवास नहीं पीएम आवास नहीं बना पाएंगे, तो प्रशासन से बात करने की अभी बैठक होने वाली है, उस बैठक में रखेंगे कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो पीएम आवास आए हैं ये फिर पंचायत में कई तरह के काम रहते हैं उसके लिए क्या प्रावधान है, तो कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाएंगे अपन। इससे पूर्व भी रेत खदानों का ठेका होता था और रेत जो है सस्ते दामों में बेचे जाते थे, लेकिन इस बार जब से वंशिका आई है तो रेट अधिक चल रहा है। देखिए वंशिका ग्रुप तो पूरे जिले को लिया हुआ है और शायद पेटी में जैसा भी होगा उसका हिसाब किताब कुछ लोगों को दे रहे हैं और लोग बाग चला रहे हैं शायद। धन्यवाद।